1, 2, 3, come on! हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छी DIY लेकर आई हूँ, जो कि एक सॉफ्ट टॉय है जिसे कोई भी घर पे बना सकता है। तो हाँ गाइस, आपने देखे होंगे कुछ वुलन टॉयज आते हैं, जैसे मिस्टर बीन के पास एक टेडी होता है, देखा अगर आप लोगों ने, वो कितना क्यूट लगता है क्योंकि वो वुलन होता है और थोड़ी शेप उसकी अलग होती है। जो भी मोस्टली हमारे इंडिया में सॉफ्ट टॉयज मिलते हैं वो एक अलग फ्लफी फॉर्मी टाइप के होते हैं, बट ये जो सॉफ्ट टॉय आज मैं आपको बताने वाली हूँ टेडी, वो बहुत ही क्यूट जेन्युइन सा लगेगा और बहुत ही इजी स्टेप्स में आप उसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज, मैंने इसको बनाया है एक वूलन कार्डिगन से जो मेरे पास पड़ा था, काफ़ी वेस्ट था, कोई यूज़ नहीं था, वो एक्चुअली एक्स्ट्रा लार्ज आ गया था, तो जिसे मैं पहनती नहीं थी और वो ऐसे ही रखा रहता था क्योंकि वो लार्ज साइज़ था। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे कोई DIY क्रिएट करें। तो हाँ गाइस, मैंने बनाया है ये ब्यूटीफुल सा टेडी, सी, जो मेरे बेबी को तो बहुत पसंद आया, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा है। तो अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो कम टू द पॉइंट। तो गाइस, यहाँ पे मैं एक कार्डिगन ले रही हूँ जो कुछ इस कलर का है, ब्राउन कलर का, लार्ज साइज का कार्डिगन है। और अब मैं यहाँ पे निशान बना लूँगी, जिस भी शेप में मुझे टेडी बनाना है तो वो मैं वो शेप क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पे चॉक की हेल्प से। और अब मैं इसको कट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और अभी मैंने इसके हाथ अलग से कट करूँगी क्योंकि मैंने उसमें नहीं काटे थे ज्वाइन करके। तो अब मैं यहाँ पे स्लीव्स की साइड से इसकी हाथ कट कर लूँगी, हैंड, और अब मैं निडल की हेल्प से इसको सिल दूँगी। गाइस, सिर्फ कान की और हाथों की जगह पे नहीं सिलना है, बाकी पूरे को सिल देना, और यहाँ से थोड़ा सा ओपन रखना है हमें क्योंकि हमें यहाँ से स्टफिंग भरनी है इसमें। तो गाइस, अब मैं यहाँ पे इसके अंदर फिल कर लूँगी कॉटन जो मैं पुराने टैडी से ली हुई हूँ। तो इस तरीके से मैंने हाथ भी स्टिच कर लिए और ये रहा मेरा टैडी, इसको कट करके मैं यहाँ से कॉटन ले रही हूँ और ये कॉटन मैं इसके अंदर फिल कर दूँगी। और ये देखिए गाइस, मैंने फिल कर लिया और अब मैं हैंड्स ज्वाइन कर दूँगी। इस तरीके से मैं हैंड्स ज्वाइन कर रही हूँ यहाँ पे। तो गाइस, ये हमारा फिल होके रेडी हो गया टैडी, और अब मैं इसकी कान बनाने हैं। तो अब मैं यहाँ पे कान बनाने के लिए थोड़ा सा कपड़ा कट करूँगी। ये देखिए, मैंने दो जगह कट कर लिया है क्योंकि मुझे दो कान बनाने हैं, और इस तरीके से फोल्ड करके मैं कान बना लूंगी यहाँ पे। और बस अब इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए काइंड, एक कान ज्वाइन हो चुका है, दूसरा वाला कर रही हूँ मैं, दोनों काइंड ज्वाइन हो चुके हैं यहाँ पे, देखिए आप। और अब मैं इसका फेस बनाऊंगी, तो उसके लिए अगेन मैं एक कपड़ा कट कर ली हूँ यहाँ पे और उसको ज्वाइन कर रही हूँ। इस तरीके से स्टिच करना है आपको फास्ट फास्ट। और ये देखिए, फेस बन के रेडी हो गया है। मुझे यहाँ पे नीचे की साइड से इसको स्टिच कर लेना है। और अब मैं नोज को यहाँ से उखाड़ के नए वाले टेडी में लगा दूंगी, ये देखिए गाइस। और अब मैं आईज लगा दूंगी दो बटन लेकर यहाँ पे। और अब मैं इसके गले का रिबन रेडी कर रही हूँ कॉलर टाइप में, ये देखिए ये रेडी हो चुका है। अब मैं एक छोटे से रिबन से इसके गले पे इस तरीके से लगा दूंगी गाइस, जिससे कि मोर अट्रैक्टिव लगेगा। ये देखिए इसका लुक फाइनल। कैसे हो तुम, क्यूटी? ओह सॉरी गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको ऐसे क्रिएटिव वीडियोस आगे देखने को मिले। तो मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।